छोटा सा कस्बा और उस कस्बे में दो छोटे छोटे बच्चे। ये कहानी इन्हीं दो दोस्तों की है, पहला रमेश और दूसरा सुरेश। हाय, देख रहे हो मेरी नई घड़ी? पता है किसने दी है? ओ गोवर्धन चाचा ने। तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब तो जब भी मैं स्कूल जाऊंगा ना, तो टीचर भी मुझसे पूछेगी, रवि बेटा जरा टाइम तो बताओ। अच्छा, टाइम देखना आता है? जरा टाइम देख के तो बता। तो ये क्या किया तूने? अरे घड़ी पहनने के लिए भी दिमाग चाहिए, दिमाग। सुरेश कद में तो छोटा था लेकिन दिमाग से भी एकदम पैदल। भाई देख, तेरे भाई के पास क्या है? छोड़ना यार, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अब तू सोचते रहेगा बस। तुझे पता है अपन चमनलाल के बाग में घुस के कुत्तों की नजरों से बच के आए? नहीं है आमला भाई। उतरी उतरी, ये क्या किया तूने? अब देख। स्कूल हो या उस्ताद की दुकान, दोनों रहते थे साथ साथ, लेकिन इनका दिमाग एकदम अलग। जैसे एक सुबह एक रात रमेश बुद्धिमान और सुरेश नादान। रमेश, जिनके घर खुद सीसे के हो वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। अरे तेरा घर तो खुद मिट्टी का है। तू जानता क्या मेरे बारे में? रहने रहने, तेरे से कुछ नहीं होगा। क्या रहने दे, तूने मेरी स्पीड देखी है? 5 मिनट में उस्ताद की दुकान पे पहुंच जाता हूँ। अच्छा, कसम पैदा करने वाले की, अभी तो तू मुझ पे हंस रहा है, 5 मिनट में तू रोएगा। दमे तो आजा, कर ले मुकाबला। अच्छा चल, तेरी ये भी इच्छा पूरी कर लेते। 1 2 3 रमेश की इसी बुद्धि ने बनाया उसे सबका प्यारा, पर सुरेश बनकर रह गया बेचारा। चलता रहा रमेश और सुरेश की जुगलबंदी का सिलसिला सालों साल, और दोनों बन गए मैकेनिक। रमेश बुद्धिमान और सुरेश जाने दोना यार। हे बजरंगबली, आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है। जिस प्रकार आपने मेरी दुकान के बाहर ट्रैक्टरों की भरमार लगाई है, इसी तरह से बस अपनी कृपा बना के रखिए बजरंगबली। जय बजरंगबली। बस एक बार मुझे बॉलीवुड पे पहुंचा दो, हीरो नहीं तो हीरो का बॉडीगार्ड ही बनवा दो। yeah. और सिंघम नहीं गजनी ही बनवा दो। और भाई आपके इस भक्त को एक ब्रेक तो दे दो। बॉडीगार्ड। चेहरे अलग, दुकानें अलग, मगर दिल आया तो एक ही लड़की पे। वाह, इसे कहते हैं दोस्तों की अंडरस्टैंडिंग। और भाई वो हमारी बसंती, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो नहीं है। बसंती। बता देती हूँ कि मेरा ट्रैक्टर हो गया है बीमार। अब देखना ये है कि मैं किसकी दुकान पे जाऊँ, सुरेश की या रमेश की। देखती हूँ आज किसकी किस्मत चमकती है। एक हसीना दो दीवाने, पर बसंती तो मुझे ही मिलनी है। चल हट, आया बड़ा। बसंती, कुर्सी, बेहतर कुर्सी। बसंती जूस, खास तुम्हारे। तुम फिट हो यार। रमेश, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और बसंती मांगोगे चीर दूंगा। ओ ऐसा है, दूध ही पियो, तुम वही कर सकते हो।
तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मेरा बापू मेरी शादी चंदू हलवाई के साथ करने वाला है। अगर अभी भी कुछ नहीं किया ना तो फिर आ जाना मेरी शादी में नाचने के लिए। हलवाई से शादी करेगी? पागल है तू, वो डायबिटीज हो जाएगी। वैसे मुझे मिठाई से ज्यादा तुम पसंद हो बसंती, प्रेम रोग हो गया तुमसे। समीर से भाभी है तेरी? अरे भाभी होगी तेरी। ओ, ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? आखिर ये मेरे भविष्य का सवाल है। मैं तो उसी से शादी करूंगी जो पूरी जिंदगी मुझे सुख सुविधा ऐशो आराम दे, जो अपने काम का मास्टर हो ताकि मुझे तंगी के दिन ना देखने पड़े। हाँ, प्यार से डर नहीं लगता बाबू, पर तंगी से तो बड़ा ही डर लगता है। और ये फैसला मैं ऐसे नहीं करूंगी, इसका फैसला होगा एक कॉम्पिटिशन से। कॉम्पिटिशन? हाँ कॉम्पिटिशन, तुम्हारे काम का कॉम्पिटिशन। आज से ठीक एक महीने बाद तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर रिपेयर करेगा और जिसकी दुकान पे सबसे ज्यादा ग्राहक आएंगे वही जीतेगा ये कॉम्पिटिशन। फिर तो मैं ही जीतूंगा। तो जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले के गले में होगी मेरी वरमाला और हारने वाले के हाथ में होगी मेरी राखी। वो तो रमेश के हाथ में होगी। आज से तुम दोनों जितने ट्रैक्टर रिपेयर करोगे अपनी दीवार पर उतने निशान लगा लेना, पर देखो कोई बेईमानी मत करना, मैं तुम पे नजर रखूंगी। तो कॉम्पिटिशन शुरू किया जाए। हो जाए शुरू। ये हुई ना बात बसंती जी, अब आएगा असली मजा। वो तो है, तो फिर चलो चलो। तूने तो कमाल कर दिया, मेरा ट्रैक्टर रोड में खेत में बड़ा जम के चल रहा, ऐसा क्या किया भाई? कुछ नहीं साहब, बस हमारा काम है। बस ऐसी कामयाबी पाए जाओ मेरे भाई। जहाँ बुद्धिमान रमेश का काम मन से हो रहा था, वहीं सुरेश सपनों के मोती पिरो रहा था। क्यों कभी कभी लागे ये सपना कि तू मेरा बस मेरा। हाँ पास मेरे था तेल जो तूने गिरा दिया, इस कस्टमर का सारा सिस्टम हिला दिया। अबे ये क्या किया तूने? ट्रैक्टर में तो ढंग का तेल डालता नहीं है और लुंगी पे डाल दिया, अब कितने बाप साहब करेगा? अरे साहब माफ कर दो ना यार, गलती हो ही जाती है, हम सभी गलती होती है भाई। अबे गलती क्या हो जाती है, कितनी बार गलती करेगा? मेरे ट्रैक्टर के इंजन बैठा दिया तूने, कौन सा तेल डालता है उसमें यार? भाई साहब ये सबसे महंगा तेल है मेरे पास। भैया सस्ता महंगा मुझे कुछ नहीं पता। अरे साहब महंगा है तो बेहतर है, इससे सस्ता भी है मेरे पास, कहो तो डाल दो। मेरे ट्रैक्टर में वही तेल डालना जो मेरे ट्रैक्टर के लिए बनी हो। सारे तेल एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। अरे भाई सब इंजन एक जैसा तो नहीं होता ना? अरे ना ना ना, बहस नहीं करते। अबे बेकार मैकेनिक है यार, गधा घोड़ा सब एक भाव लगाता है। मैं बगल वाली मैकेनिक से जाकर ठीक करा लूंगा अपनी ट्रैक्टर। अरे साहब कहाँ जा रहे हो? अरे चलो हम ही उस मैकेनिक के पास चलते हैं, मैकेनिक बेकार है। नहीं सर्विस है। वर्ल्ड बेस्ट तेल है मेरे पास भाई। अच्छा मेरा बस एक बात बता, ये सारे ट्रैक्टर के इंजन में एक ही तेल डालते हैं के? भाई साहब जब हर इंजन एक जैसा नहीं होता तो तेल कैसे एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात। अरे इस बंदे को देख, बगल वाले को, ये देख पूरी कपड़े खराब कर दी इस बंदे ने और मेरी इंजन बैठा दी। भाई साहब हर कंपनी इंजन के हिसाब से तेल बनाती है। बिल्कुल, अब जरूरी नहीं है कि जो तेल इस ट्रैक्टर में डले वो दूसरे में भी डले। बिल्कुल सही कह रहे हो। आप एक काम करिए, अपना ट्रैक्टर लाइए और मैं उसमें उसी के हिसाब से तेल डालूंगा। ये कहने बात, अभी लाता हूँ भाई।
माँ ये रमेश तो बड़ा चालाक निकला। अरे वाह सुरेश बाबू वाह, पुराना ट्रैक्टर, पुरानी दुकान है और फटे पुराने हाल है, बढ़िया है। कि तुम दोनों ने हमारे देश की सबसे पुरानी और भरोसेमंद कंपनी एस्कॉर्ट्स के पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक ट्रैक्टर सर्विस किए। क्या बात है यार, बड़े समझदार निकले तुम दोनों तो। ये ट्रैक्टर हमारे इलाके में सबसे ज्यादा बिकते हैं। आगे देखती हूँ अब क्या करते हो तुम दोनों। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आज मेरी शादी है और ये देखो ये मुझे मंगनी में मिली है। और हाँ, मेरे ससुराल वाले मुझे एस्कॉर्ट का ट्रैक्टर दे रहे हैं। पागल है तू, बेवकूफ हो गया है, तुझे पता नहीं है दहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छा, पुलिस पकड़ लेगी तुझे। हाँ पिंकू, मेहनत कर और अपनी मेहनत से एस्कॉर्ट का ट्रैक्टर खरीद। बिल्कुल ठीक कहा बसंती जी, अब देखना, अब मैं जी तोड़ कर मेहनत करूँगा और एस्कॉर्ट का ट्रैक्टर खरीदूंगा। हाँ मेहनत करूंगा, ट्रैक्टर खरीदूंगा, मेहनत। अब तुम दोनों भी संग से मेहनत करो, देखते हैं कल क्या होता है। चलती हूँ। और फिर आया वो दिन जब महीना खत्म हुआ और कंपटीशन भी। मेरी बसंती आ रही है, कौन जीता है कौन हारा है। तेरी बसंती नहीं, मेरी बसंती है। मेरी बसंती। हमें ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, पर अब आप लोग पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ कि इस कंपटीशन के विजेता है सुरेश के भैया रमेश। तो भाइयों ई रहा स्कोर, ये जो हमारे सुरेश बाबू हैं, इन्होंने किया है पूरे महीने में 15 ट्रैक्टर। और ये जो हमारे रमेश बाबू हैं, इन्होंने किया है पूरे महीने में पूरे 55 ट्रैक्टर। तो हमारी वरमाला तो जाएगी रमेश बाबू के गले में। रमेश बाबू, क्या जादू है आप में? जादू वादू कुछ नहीं, ये तो मेहनत, ईमानदारी और एक राज का कमाल है। राज? तो क्या है आपका राज? सुरेश, उस्ताद की बताई एक सीख भूल गया ना। कौन सी सीख? यही कि तेल ट्रैक्टर के पुर्जों की जान होता है। तेल तो मौसी भी लगाती है मेरे बालों में। बसंती वो तेल नहीं, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, और वो भी सही ल्यूब्रिकेंट ऑयल जो ट्रैक्टर के कल पुर्जों को, जैसे कि इंजन, गियर बक्सा, स्टेयरिंग, एक्सल को टूट फूट और खिसाव से बचाता है। पुर्जों के आपस में टकराने से जो गर्मी और घर्षण पैदा होता है उससे सुरक्षा देता है। और सही लुब्रिकेंट से तो डीजल की खपत भी कम होती है, इसलिए हमेशा वही तेल इस्तेमाल करना चाहिए जो ट्रैक्टर के लिए एकदम सही हो और उसी की जरूरत के हिसाब से बना हो। तो भाई रमेश, ये तो बताओ कि कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो आप? अरे ढक्कन अभी भी नहीं समझा, चल दिखाता हूँ। ये है सुरक्षा लुब्रिकेंट। नीला वाला फार्म ट्रैक के लिए और ये लाल वाला पावर ट्रैक के लिए, अलग इंजन के लिए अलग तेल, समझा घोचू? यही है असली तेल भाई। ये है सुरक्षा ल्यूब्रिकेंट ऑयल, एक ऐसा ल्यूब्रिकेंट जो खास तौर से बनाया जाता है पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक ट्रैक्टरों के लिए। ये देता है सबसे अधिक सुरक्षा, ल्यूब्रिकेंट का बाप है ये। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो चलो मेरे साथ, एस्कॉर्ट्स की टीम आ रखी है आज गांव में पिक्चर दिखाने। चलो 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 चलो। वाह भाई वाह।
नमस्कार, मैं आया हूँ भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद ट्रैक्टर कंपनी एस्कॉर्ट से, जो बनाती है भारत के सबसे विश्वसनीय ट्रैक्टर्स फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक। और हम लेकर आए हैं आपके लिए सुरक्षा लुब्रिकेंट ऑयल्स, जो आपके ट्रैक्टर का रखता है खास ख्याल। आइए इसके बारे में जानने के लिए देखते हैं एक फिल्म। एस्कॉर्ट्स ग्रुप, जो भारत की बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, पेश करते हैं सुरक्षा लुब्रिकेंट्स, जो बना है खास तौर पे ट्रैक्टरों के लिए। एस्कॉर्ट्स पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से जुटे हैं देश को मजबूत बनाने में। ये बनाते हैं खास खेती बाड़ी की मशीनरी, जैसे कि ट्रैक्टर्स, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, इंजन्स, क्रेन्स और बहुत कुछ। चाहे आपका ट्रैक्टर फार्म ट्रैक हो या पावर ट्रैक, एस्कॉर्ट्स के पास है सुरक्षा ल्यूब्स की फुल रेंज, जैसे कि इंजन ऑयल, गियर ऑयल, UTTO और कूलेंट। सुरक्षा लुब्रिकेंट्स ऑयल को खास बनाया गया है आपके ट्रैक्टरों के लिए, उसी कंपनी द्वारा जो आपका ट्रैक्टर भी बनाती है। तभी हम बनाते हैं वो लुब्रिकेंट जो दे आपके ट्रैक्टरों के पुर्जों को घिसाव, गर्म और ठंडे तापमान, जंग या गर्मी से सुरक्षा। सुरक्षा लुब्रिकेंट्स बनते हैं विश्व स्तरीय तकनीक के द्वारा, जो है आपके ट्रैक्टर के लिए एकदम सही, क्योंकि हमने इसे बनाया है किसानों और ट्रैक्टरों की जरूरतों के मुताबिक। एस्कॉर्ट्स, जी हाँ, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है आपके ट्रैक्टर की जरूरतों को। और इनकी पैकेजिंग होती है सम्प साइज के हिसाब से ही, यानी कि ये उतने ही पैक में आते हैं जितना आपके ट्रैक्टरों को जरूरत हो। जैसे 22.5 लीटर का एक कैन, यानी पूरी सहूलियत। अब 20 लीटर का एक कैन और 1 लीटर की 3 कैन लेकर आधे लीटर की बर्बादी नहीं होगी। आइए दिखाते हैं सुरक्षा लुब्रिकेंट्स बनते कैसे हैं। इसे बनाया जाता है कई अलग तरह के तेल और एडिटिव्स को मिलाकर। एडिटिव्स उन केमिकल्स को कहते हैं जो तेल में मिलाए जाते हैं, और हर एडिटिव का अलग काम होता है। जैसे एक एडिटिव तेल को ऐसी चिकनाई प्रदान करता है जो बहुत गर्म तापमान में भी बने रहे और कल पुर्जों को घिसावट से बचाए। दूसरी तरह के एडिटिव्स तेल को वो खूबियां देते हैं जिससे वो ट्रैक्टर बंद होने के बाद भी, यानी इंजन के ठंडे होने के बाद भी, उसके कल पुर्जों से चिपके रहे, ताकि जब आप सुबह सुबह या ठंडे मौसम में ट्रैक्टर स्टार्ट करें तो ट्रैक्टर आसानी से स्टार्ट हो जाए और कल पुर्जों का घिसाव ना हो, क्योंकि शुरू के कुछ मिनटों में ही कल पुर्जों का घिसाव सबसे ज्यादा होता है। सुरक्षा लुब्रिकेंट्स दूसरे तेलों की तरह न ज्यादा पतला और न ज्यादा गाढ़ा है। ये ज्यादा और कम तापमान दोनों में पूरी सुरक्षा देता है। आपके ट्रैक्टर को महंगा या सस्ता नहीं, सही तेल चाहिए, जो बनाते हैं हम सुरक्षा लुब्रिकेंट्स। एस्कॉर्ट्स का वादा, सुरक्षा सबसे ज्यादा। हर ट्रैक्टर की जान, सुरक्षा, सुरक्षा, जहां भी देखो वहीं सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा। जीवन साथी है सुरक्षा, यारों का यार है सुरक्षा, जीवन साथी है सुरक्षा, यारों का यार है सुरक्षा। हर मुश्किल का हल ट्रैक्टर की करता है सुरक्षा, सुरक्षा। हर ट्रैक्टर की जान, जहां भी देखो वही सुरक्षा, सुरक्षा। हर ट्रैक्टर की जान, जहां भी जिंदगी का बदले नक्शा, दिल से दिल मिलाए सुरक्षा, जिंदगी का बदले नक्शा, दिल से दिल मिलाए सुरक्षा। इस पे करते हैं भरोसा,